गुड आफ्टरनून किड्स। गुड आफ्टरनून सर। देखो आज हम ये पढ़ेंगे व्हाई डोंट वी स्टार्ट ए न्यू फिश ड्राइंग फैक्ट्री। ठीक है, अब देखो जो औरतें हमारे पास थी ना, जो फिशर विमेन थी, फिशर विमेन ने एक बैंक खोला था। ठीक है, जिस बैंक में वो कुछ कुछ क्या कर रही थी, पैसे जमा कर रही थी। कितने फिशर विमेन ने खोला था बैंक? 20। ठीक है, अब देखो द विमेन ऑफ मीनकर बैंक ऑल्सो वॉन्ट टू स्टार्ट अ फैक्ट्री टू ड्राई फिश। अब वो क्या करना चाहती हैं, वो औरतें क्या करना चाहती हैं, एक मछली सुखाने की क्या खोलना चाहती हैं, फैक्ट्री, जिससे कि उनकी जो मछलियां हैं जो रोज बच जाती हैं वो बर्बाद ना हो। द पंचायत हैज गिवन देम सम लैंड फॉर दैट। जो उनकी ग्राम पंचायत थी, मतलब जैसे जो गांव की जो पंचायत होती है, उन्होंने उनको क्या दी, फ्री में कुछ जमीन दी कि तुम वहां पर क्या कर लो, फैक्ट्री खोल लो। ओवर द ईयर्स दे हैव सेव्ड रुपीज 74,000। मतलब कुछ सालों में उन्होंने कितने रुपए बचा लिए थे बैंक में, 74,000। दे फाइंड आउट हाउ मच दे विल नीड फॉर द फैक्ट्री। अब देखो, अब वो बोल रहे हैं कि अब वो पता करेंगे कि उनको उस फैक्ट्री को खोलने के लिए कितने पैसे चाहिए और कौन कौन सा सामान चाहिए होगा उस फैक्ट्री में। फाजिला राइट्स द थिंग्स दे नीड टू बाय टू बिगिन, सी द टेबल फॉर द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम एंड द नंबर ऑफ आइटम्स दे वांट टू बाय, फाइंड द टोटल कॉस्ट। अब उनमें से जो एक औरत थी फाजिला, ठीक है, जो प्रेसिडेंट भी थी उस बैंक की, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कागज में एक लिस्ट बनाई कि भाई हमको कौन कौन सा सामान चाहिए होगा उस फैक्ट्री को खोलने के लिए और कितने कितने रुपए में वो आएगा। अब आगे वाले पेज में एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल में वो सारा लिखा हुआ है रेट। अब देखो ये टेबल है, लिखा हुआ आइटम, लिखा हुआ प्राइस ऑफ ईच, नंबर ऑफ आइटम्स एंड कॉस्ट। कॉस्ट हमने खुद निकालनी है। अब देखो ये आइटम चाहिए उन्हें, एक बोरवेल फॉर फ्रेश वाटर, जो कि कितने रुपए का आएगा, 3,000। 3,000 में कितने आएंगे, ये एक और कितने चाहिए, ये एक, तो कितना हो गया, 3,000। अब देखो उन्हें बैम्बू रैक चाहिए फॉर फिश ड्राइंग, कितने का है वो, एक 2,000। और कितने चाहिए, 20। कितने हो गए, 40,000। ठीक हो गया। सीमेंट के टैंक चाहिए उन्हें कितने, और एक कितने का है, 1,000। कितने हो गए, 4,000। ट्रे एंड नाइफ चाहिए उन्हें 20, जो कि एक 300 रुपए का है, कितने हो गए टोटल, 6,000। बकेट्स चाहिए उन्हें 20, एक बकेट 75 के, तो टोटल कितने हो गए, 1,500। 1,500 टोटल कर लें इसको। उनके पास बैंक में कितने रुपए हैं, 74,000। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या इस पैसे से वो खरीद पाएंगे या नहीं उस फैक्ट्री का सामान। देखो कितना हो गया, 0, 0, 0, 5, 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 5
11 और 3 14 1 कैरी 4 और 1 5 54,500 लग रहे हैं इस पूरे सामान को खरीदने में, मतलब क्या हम खरीद पाएंगे? यस, क्योंकि वो जो हमारे पास बैंक में पैसे हैं वो इससे क्या है, ज्यादा। अब देखो, when fresh fish is dried, it becomes 1/3 of its weight. अब वो बोल रहे हैं कि जब हम fresh fish को क्या करते हैं, सुखाते हैं, तो वो अपने weight के 1/3 हो जाती हैं। मतलब अगर माना वो 3 किलो थी, 3 किलो की अगर fresh fish थी, तो वो कितने की हो जाएगी अब? दो। एक किलो की, ठीक है? In 1 month, they plan to dry 6,000 cases of fresh fish. अब वो बोल रहे हैं कि वो उनका planning क्या है कि वो एक महीने में कितनी fresh fish, कितनी सुखाएंगे fish? 6,000 केजीज, ठीक है? 6,000 केजीज तो फ्रेश फिश है उनके पास, तो वो सूख के कितनी हो जाएंगी? 6,000 × 1/3 कितना हो गया? 2,000, ठीक हो गया? तो मतलब कितनी सुखा पाएंगे वो? 2,000 क्या आएगी, यूनिट क्या आएगी इसकी? केजी, वेरी गुड। क्या कर लोगे, समझ आई? यस सर।